हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बशीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रोकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जय सिंह कोल साइन एन जे जो के छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने के बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नजर आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए ऋषभ सावन अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में नजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में नजर आएं, हरनाम सिंह संधु स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आएं, इंदू रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आया आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल में नजर रहा है हरूष फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजरा है गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में मेजर है विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में जा रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में जा रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में जा रहा है हरीश खतरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आया है चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर जाए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर जाए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में मेजर आए गुरमित चावरा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में जा रहा है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया, किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजित आंद्री अंकू पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और, और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अनकित बलहारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एन जे नाम से भी जानी जाती है रोकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी मंगित्र नैना जयसिंह कोल साइन इन जे जो के छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पीटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पीटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पीटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आएँ स्क्वाडन लीडर शमशेर के रोल में नजर आएँ दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आएँ करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय ओबेरोई स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिंदर अभी बाली के रोल में मैनेजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर है वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मेनेजरा है महेश सेट्डी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंद्र के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया है खान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में मैनेजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं, हरनाम सिंह संधु स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आएं, इंदू रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर है आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर है हरिषित पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजरा है मुस्ताक का मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर है विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर है लोकेश भट्ट स्क्वाड्रन लीडर संदीप के रोल में नजर रहा हिमानी सहानी स्क्वाड्रन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर है हरीश खतरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल मेंने जा रहा है दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आए गुरमित चावरा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर रहा तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकू पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और, से से और, और, से से और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलहरा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़, सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जयसिंग छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में मैनेजर आए हैं रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में मैनेजर आए हैं संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए हैं महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आए निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में नजर आए हरनाम सिंह संधु स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल में आए इंदू रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल मेजर आया आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल में नजर आए हरिषित पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजर आए गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर है विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल मना जा रहा है दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए संवेदना संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आए गुरमीत चावरा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर रहा तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अनकित बलहरा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़, सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जयसिंग छोटी को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए ऋषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में मैनेजर आए हैं रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में मैनेजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आए निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में मेंनेजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं, हरनाम सिंह संधु स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदू रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आया आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरुषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजर आए गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद को अबरार के रोल में नजर आए विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर आए लोकेश भट्टा स्क्वाड्रन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाड्रन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर आए हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर आए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आए गुरमित चावरा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर रहा तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलहारा सॉन्ग्स विशाल से ने और म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल से खरने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी, भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्टर रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जयसिंग है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने के बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावन अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौर के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल मैनेजर आए हैं रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल मैनेजर आए हैं संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर हैं वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल मैनेजर आए हैं महेश सेट्डी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आए निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं हरनाम सिंह संधु स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदू रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आया आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरुषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजरा है मुस्ताक का मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आए विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर आए लोकेश भट्टा स्क्वाड्रन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाड्रन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर आए हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल मेंने जा रहा है दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आए गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर रहा तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलहारा सॉन्ग्स विशाल से ने और म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल से ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्टर रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगितर नैना जयसिंग है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने के बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावन अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आया तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल मैनेजर आए हैं रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल मैनेजर आए हैं संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर हैं वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल मैनेजर आए हैं महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल मैनेजर आए हैं सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आए निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं हरनाम सिंह संधु स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदू रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल मेनेजर आया आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरुषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजर आए गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में बने जाए विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर जा रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में जा रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में जा रहा है हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर जाए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर जाए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में मेजर आए गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में जा रहा है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलहारा सॉन्ग्स विशाल से ने और म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल से खरने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस ती से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये च... चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगितर नैना जयसिंग छोटी को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने के बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावन अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आया तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल मैनेजर आए हैं रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल मैनेजर आए हैं संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर हैं वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल मैनेजर आए हैं महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आए निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं हरनाम सिंह संधु स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल मेनेजर आया आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरुषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मैनेजर आए मुस्ताक का मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर जाए विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर जा लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर जाए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आए गुरमित चावरा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर रहा तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकू पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलहारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना के छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए ऋषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आया तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आएँ शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिनर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में नजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल मैनेजर आए हैं संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आए निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं, हरनाम सिंह संधु स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर का रोल नजर आएं, इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता का रोल में नजर आएं, आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरुषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील को रोल नजर आए गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर रहा है विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर जा रहा लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा है हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर जाए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर जाए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में मेजर आए गुरमित चावरा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर रहा है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकू पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलहारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, तो इस क्यूं। तो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी like के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़, सरताज ताज गिल बशीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जयसिंग छोटी है, को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए ऋषभ सावन्य अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर जाएँ संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मेनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मेनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आए निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं, हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल में है इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर है आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मैनेजर आए गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर रहा है विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर जा रहा लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा है हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर जाए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर जाए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में मेजर आए गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में जा रहा है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकू पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्टर रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बशीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जयसिंग है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए ऋषभ सावन्य अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में नजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल में नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनी के रोल नजर आए गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर रहा है विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर जा रहा लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा है हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर जाए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर जाए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में मेजर आए गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में जा रहा है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलहारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये यह... चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बशीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जयसिंग है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आएँ ऋषभ अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में मेनेजर आए हैं रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में मैनेजर है संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर है वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मेनेजर है महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए हैं सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर है संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आया है निशान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं हरनाम सिंह संधू स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आएं इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल नजर आएं आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील को रोल नजर आए गुस्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल बने जा रहा है विनय शर्मा एयर कमांडर का रोल में नजर जा रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में जा रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में जा रहा है हरीश कत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल में नजर आए चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में जाए संवेदना का बेला उन्नीठन का रोल में जा रहा है गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल मेजर आया गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का रोल में जा रहा है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलहरा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों तो अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बशीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जय सिंह को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए ऋषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए हैं संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आया तलात अजीज मिस्टर पठानिया के, के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में नजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत के रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल नजर आए मुस्ताक काक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आया है विनय शर्मा एयर कमांडर का रोल में नहीं जा रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में जा रहा है हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में जा रहा है हरीश कत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोल में नजर आए चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए संवेदना संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में जाए गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का रोल में जा रहा है तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलहरा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम तो इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बशीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रॉकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पीटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसके मंगित्र नैना जय सिंह को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए ऋषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए हैं संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आया तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर आए वविन सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में नजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया है खान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत के रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के, सुनी के रोल नजर आए मुस्ताक काक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आया है विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा है हरीश कत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए हैं संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आए गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आए तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलहरा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़, सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एन जे नाम से भी जानी जाती है रोकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी नैना जयसिंह कोल साइन इन जे जो के छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कस्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीगर लीडर शमशेर के रोल में नजर आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आएँ करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय ओबेरोय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल मैनेजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आया है निशान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में मैनेजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत के रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल नजर आए मुस्ताक काक मौलाना मसूक मकसूद को अबरार के रोल में नजर आया विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा है हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए हैं संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आए गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आए तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पॉल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस था। से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग थी। है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़, सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एन जे नाम से भी जानी जाती है रोकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी नैना जयसिंह कोल साइन इन जे जो के छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रिढ़ संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कस्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीगर लीडर शमशेर के रोल में नजर आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नज़र आएँ करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय ओबेरोय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिंदर अभी बाली के रोल मैनेजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मैनेजर आया है निशान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में मेंनेजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत के रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजरा है मुस्ताक काक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आया विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर आए हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर दत्ता दत्तारो एजेंट के रोल में नजर आए हैं संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आया गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आया है तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और, और, और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू कु पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान परीक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एन जे नाम से भी जानी जाती है रोकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी नैना जयसिंह कोल साइन इन जे जो कि छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित तो वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पीटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पे ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नजर आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नज़र आए हैं करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय ओबेरोय स्क्वाडन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौर के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए था रेमन चीफ एयर कमांडर अभिंदर अभी बाली के रोल मेनेजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाडन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए महेश सेट्डी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाडन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मेजर आया है निशान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में मेंनेजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत के रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल में नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल में नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल मेनेजरा है मुस्ताक काक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आया विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा है हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आए चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आया गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आया है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो तो हज़ार चौबीस है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एन जे नाम से भी जानी जाती है रोकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी नैना जयसिंह कोल साइन इन जे जो कि छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित तो वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रिढ़ संकल्पित पीटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पीटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नजर आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आएँ करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय ओबेरोय स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीप एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मैनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाडन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए महेश सेट्टी स्क्वाडन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मैनेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाडन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में मेजर आया है निशान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत के रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल में नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल में नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के सुनी रोल मेनेजरा है मुश्ताक काक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आया विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर रहा है हरीश खतरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आया है चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर आए हैं संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आया गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आया है तो यह इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रामन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पॉल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलहरा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलहरा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 25 जनवरी 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये च... चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए, ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एनजे नाम से भी जानी जाती है रोकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पीटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी मंगेतर नैना जयसिंग कोल साइन एन जे के छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीडर लीडर शमशेर के रोल में नज़र आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए करण सिंह ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर सरताज के रोल में नजर आएँ अक्षय ओबेरो स्क्वाड्रन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आएँ ऋषभ सावन्याजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आया तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आएँ शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में नजर आए वविन सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में नजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में नजर आए हैं सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय का रोल नजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया निशन दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल नजर आए हरनाम सिंह संधू स्क्वाड्रन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आए इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर आए हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल में नजर आए मुश्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आया विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर आए हैं हरीश खतरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आया है चंद्रशेखर रो एजेंट के रोल में नजर आए हैं संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आया गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आया है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रामन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलहारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो हज़ार चौबीस है चलिए तो, तो दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ आर सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एन जे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी नैना जयसिंह कोल साइन इन जे जो कि छोटी है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने के बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीगर लीडर शमशेर के रोल में नजर आए हैं दीपिका पाडुन पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए हैं करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय ओबेरोय स्क्वाडन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिषभ सावनिया अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेहमन चीफ एयर कमांडर अभिंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मेनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाडन लीडर सुखदीप के रोल में मैनेजर आए महेश सेट्टी स्क्वाडन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाडन लीडर नैना इंजय के रोल में मैनेजर आए संजीव चोपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया है खान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं, हरनाम सिंह संधू स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल नजर आएं, इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर है हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के सुनी रोल मेनेजरा है मुश्ताक काक मौलाना मकसूद अबरार के रोल में नजर आए विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर आए हैं हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आया है चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए हैं संवेदना का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आया गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आया है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पॉल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और, pripe, और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर संचित बलहरा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल शेखर ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो हज़ार चौबीस है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी का, का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम फाइटर मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम फाइटर मूवी का स्टोरी बताते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन भारत वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस का निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुशल लड़ाकू पायलटों से मिलकर एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई जाती है टीम में एक स्क्वाडन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मिनल मिनरी राठौड़ सरताज ताज गिल बसीर बास खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल हैं प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिन्नी के मन में पेटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पेटी को अपने पिछले मिशन में अपने मंगेतर को खोने के बाद अपने अतीत की याद सताती है टीम को अख्तर द्वारा आयोजित पुलवामा में सीआरपीएफ सैनिकों पर हमला के बारे में पता चलता है जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के बेस पर जवाबी हमले की योजना बनाती है मिशन में सफल होने के बावजूद इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय बेस पर जवाबी हमला करती है रोकी के आदेश के बावजूद पेटी ताज और बेस नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं ताज और बेस की विमान को पाकिस्तानी पायलट ने मार गिराया जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद रोकी ने पेटी को एयर ड्रैगन की टीम से हटा दिया वह हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ा एक उड़ान प्रशिक्षक के रूप में तैनात है ए एफ ए में पेटी एक फ्लाइट कैडेट नेहा जायसवाल की मदद करता है जो एन जे नाम से भी जानी जाती है रॉकी द्वारा मिन्नी को यह भी बताया जाता है कि वह पेटी के प्रति इसलिए द्वेष रखता है क्योंकि उसने उसकी नैना जयसिंह कोल साइन इन जे जो कि छोटी बह है को पिछले बचाव अभियान में मरने दिया था पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की वे ताज और बेस को सुरक्षित वापस भारत ले जाएंगे हालांकि एयर ड्रैगन्स टीम को झटका लगता है क्योंकि ताज और बेस को लेने गया हेलीकॉप्टर बेस के सब के साथ ही वापस लौटता है सुखी पेटी को बताता है कि अख्तर ने बेस की बेरहमी से हत्या कर दी है और बुरी तरह घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए रीड संकल्पित पेटी और रुकी आदेशों की अवहेलना करते हैं और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाते हैं टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और पेटी ताज को बचाने और अख्तर को मारने के सक्षम होती है उतारने के बाद पेटी और मिन्नी गले मिलते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश के रोल में नजर आए हैं ऋतिक रोशन स्क्वाडन लीडर के रोल में नजर आए हैं स्क्वाडन लीगर लीडर शमशेर के रोल में नजर आए हैं दीपिका पाडून पादुकोण स्क्वाडन लीडर मिन्नल मिन्नी के रोल में नजर आए हैं करण सिंह ग्रोवर स्क्वाडन लीडर सरताज के रोल में नजर आए अक्षय ओबेरोय स्क्वाडन लीडर बासिर बेस खान के रोल में नजर आए रिशभ सावन्या अजहर अख्तर के रोल में नजर आए संजीदा शेख सच्ची गिल के रोल में नजर आए आशुतोष राणा अभिजीत राठौड़ के रोल में नजर आए गीता अग्रवाल उषा राठौड़ के रोल में नजर आए तलात अजीज मिस्टर पठानिया के रोल में नजर आए शारिफ़ हाशमी विंग कमांडर वर्तमान के रोल में नजर आए रेमन चीफ एयर कमांडर अभिनंदर अभी बाली के रोल में नजर आए संजय जायसवाल माजिद खान के रोल में मेनेजर आए वविंद सिंह स्क्वाड्रन लीडर सुखदीप के रोल में मेंनेजर आए महेश सेट्टी स्क्वाड्रन लीडर राजन उन्नी उन्नीथन के रोल में मेजर आए सीरत मस्ट स्क्वाड्रन लीडर नैना इंजय के रोल में मेनेजर आए संजीव चौपड़ा एयर मार्शल रोहन रावल के रोल में नजर आया है निशान दूजा फ्लाइंग ऑफिसर मनोज के रोल में नजर आए करण शर्मा फ्लाइंग ऑफिसर अजीत को रोल में नजर आए चंदन के आनंद विंग कमांडर हरीश के रोल में आए आएं, हरनाम सिंह संधू स्क्वाडन लीडर संजय माथुर के रोल में है इंदु रेड्डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजश्री मेहता के रोल में नजर आए आदित्य साधिया शर्मा फ्लाइट कैडेट नेहा के रोल नजर है हरूषि पोदारा फ्लाइट कैडेट सुनील के रोल नजर आए मुश्ताक मौलाना मसूक मकसूद अबरार के रोल में नजर आए विनय शर्मा एयर कमांडर के रोल में नजर रहा है लोकेश भट्टा स्क्वाडन लीडर संदीप के रोल में नजर आए हिमानी सहानी स्क्वाडन लीडर तानिया अग्रवाल के रोल में नजर आए हैं हरीश खत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल में नजर आया है चंद्रशेखर दत्ता रो एजेंट के रोल में नजर आए हैं संवेदना सोल का बेला उन्नीठन के रोल में नजर आए गीता सोदी मिस्टर गिल के रोल में नजर आया गुरमित चावड़ा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रोल में नजर आया है तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ममता आनंद अजीत आंद्री अंकु पांडे रमन रमन चिब केविन वाज ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन वाई स्टोरी वाई रामन चिब सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी सचित पाउल लोजे ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और इस मूवी का म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक बाई स्कोर संचित बलहरा एंड अनकित बलारा, बलारा सॉन्ग्स विशाल से ने और म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर संचित बलारा एंड अंकित बलारा सॉन्ग्स विशाल से खरने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट पच्चीस जनवरी दो हज़ार चौबीस है चलिए दोस्तों, तो, तो दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी के बजट की बात करें तो ढाई सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू हैं इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग है यानी कि पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट तीन स्टार अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया और मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट ढाई सौ करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से तीन सौ सैंतीस करोड़ की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और मूवी का स्टोरी भी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें